हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय क्लास टुडे वी आर गोइंग टू टेक क्लास टेंथ इकोनॉमिक्स चैप्टर वन एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज डेवलपमेंट सो द डेवलपमेंट मीन्स द थिंग्स बिकमिंग बेटर देन बिफोर यानी कोई भी चीज अगर पहले से बेटर हो जाए तो उसे कहा जा सकता है कि ये डेवलपमेंट है मगर एवरी वन हैज डिफरेंट गोल फॉर डेवलपमेंट हर एक का डेवलपमेंट गोल डिफरेंट होता है यानी किसी का डेवलपमेंट का गोल कुछ और हो सकता है और किसी के लिए वो डेवलपमेंट गोल कुछ और हो सकता है जैसे फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी दैट लेबर जो लेबर होता है उसके लिए डेवलपमेंट क्या होता है उसके लिए डेवलपमेंट होता है मोर वेजेस और चाइल्ड लेबर के लिए डेवलपमेंट क्या होता है चाइल्ड लेबर के लिए डेवलपमेंट हो सकता है कि वो स्कूल में जाए गोइंग टू द स्कूल कैन बी ए डेवलपमेंट गोल फॉर ए चाइल्ड लेबर तो आप देखा आपने देखा कि डेवलपमेंट वो होता है जो आपको आपके पहले के सिचुएशन से बेटर सिचुएशन में रखे मगर वो डेवलपमेंट गोल किसी के लिए कुछ हो सकता है और किसी और के लिए कुछ और हो सकता है Sometimes the development of one is not the development for another person, and in fact it can be dangerous for them. So, क्या होता है कि कभी-कभी किसी एक का development दूसरे के लिए development नहीं होकर के problematic हो जाता है. In fact, वो आप आ, जो आपके लिए डेवलपमेंट है कोई जरूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट ही हो जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हो डैम कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल जब कभी भी डैम कंस्ट्रक्शन होता है रिवर पे तो वो उस रिवर के आसपास के सिटीज के लिए तो अच्छा होता है कि वहां पे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी वाटर आपका फ्लड कंट्रोल होगा और दूसरे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे मगर उस रिवर के आसपास के रहने वाले लोगों के लिए ट्राइबल्स पीपल के लिए ये प्रॉब्लमैटिक हो जाता है क्योंकि ऐसे सिचुएशन में वो फोर्स होते हैं कि वो अपना ऑक्यूपेशन अपने होम को छोड़ करके कहीं और जाकर के शिफ्ट हो जाए तो क्या हो सकता क्या हो रहा है इस केस में एक डेवलपमेंट जो एक के लिए अच्छा है वो दूसरे के लिए अच्छा नहीं है वो दूसरे के लिए इनफैक्ट प्रॉब्लमेटिक है तो डेवलपमेंट can be a development for one person and it can be a problematic for another person. अब जो ये development है, ये development depend होता है दो things में. तो दो चीजें मिलकर के development decide करती है. तो उसमें जो पहला thing है, वो है material thing, material thing और दूसरा thing है non-material thing. जो material thing होती है, वो क्या होती है? वो money और cash के basis पे calculate किया जाता है. जैसे कि कोई भी वैल्यूबल या जो मनी बेसिस पे कॉस्टली चीजें अगर आपको मिल जाए तो आपको लगता है कि आपका डेवलपमेंट हो चुका हो गया है जैसे कि आपको अगर आ, अच्छी कार मिल जाए अच्छा हाउस मिल जाए तो वो आपके लिए डेवलपमेंट हो सकता है मगर इसके साथ साथ कभी कभी नॉन मटेरियल थिंग्स को भी कंसीडर करना बहुत जरूरी हो जाता है तो नॉन मटेरियल थिंग्स क्या होती है नॉन मटेरियल थिंग्स वो चीजें होती हैं जिसको एक्चुअली आप देख नहीं सकते मगर वो बहुत वैल्यूबल होती है जैसे कि आपकी फ्रीडम आपकी लिबर्टी आपकी सिक्योरिटी आपका हेल्थ तो ये सारी चीज़ों का अच्छा होना भी डेवलपमेंट के ही कैटेगरी में आता है जैसे कि अगर एक मदर है तो उनके लिए डेवलपमेंट क्या होता है उनके लिए डेवलपमेंट होता है रिस्पेक्ट फ्रॉम हर चिल्ड्रेन तो इसी तरह से एक हाउस के लिए भी डेवलपमेंट क्या होता है उसके उसके वर्क को रिस्पेक्ट किया जाए ये एक हाउस के लिए डेवलपमेंट है तो इसलिए इसलिए डेवलपमेंट सिर्फ मेटीरियल थिंग्स से नहीं बनता है साथ में नॉन मेटीरियल थिंग्स को भी कंसिडर करना जरूरी है नाउ लेट्स सी हाउ द कंट्रीज और द वर्ल्ड डेवलपमेंट इज डिसाइडेड तो किस तरह से एक कंट्री का और वर्ल्ड का डेवलपमेंट पता किया जाता है उसे देखा जाए तो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट अ डेवलप एंड अंडर डेवलप कंट्री तो आपने सुन रखा होगा कि कुछ कंट्रीज होती है जो डेवलप कंट्री की कैटेगरी में आती है सम कंट्रीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अंडर डेवलप कंट्री तो आप किस बेसिस पे कंट्रीज को डिवाइड करते हो डेवलप कंट्रीज के कैटेगरी में और अंडर डेवलप कंट्री के कैटेगरी में तो इसको इसका जब क्वेश्चन आता है कि कैसे कंपेयर किया जाए तो कंपेयर करने के लिए जो सबसे बड़ा बेसिस लिया जाता है वो लिया जाता है इनकम का इट इज मोस्टली कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एज इनम सैटिस्फाई नीड्स क्योंकि इनकम ही बेसिकली हमारे सारे नीड्स को सेटिसफाई करती है हमारे सारे नीड्स को फुलफिल कौन करता है इनकम करता है क्योंकि इनकम से आप हर वो चीज खरीद सकते हैं जो आपको आपके लाइफ को थोड़ा सा बेटर और थोड़ा सा इजी और थोड़ा सा कंफर्टेबल बना सके तो इनकम को सबसे पहले कंसिडर किया जाता है डेवलपमेंट को डिसाइड करने के लिए तो कंट्री का इनकम कैसे डिसाइड किया जाता है तो कंट्री का इनकम डिसाइड किया जाता है इट इज द टोटल इनकम ऑफ द पीपल ऑफ दैट कंट्री यानी उस कंट्री में रहने वाले सभी लोगों की इनकम को अगर आप उस कंट्री में रहने वाले हर एक पर्सन के इनकम को सम टोटल कर दोगे जोड़ दोगे एक के साथ एक का पर्सन uh, का हर पर्सन का उस कंट्री में रहने वाले को जब इनकम आप जोड़ दोगे तो वो मिलकर के बन जाएगा कंट्री का इनकम तो कंट्रीज इनकम इज सम टोटल ऑफ द इनकम ऑफ ऑल द पीपुल ऑफ दैट कंट्री तो जब आप कंट्री का इनकम निकाल लोगे तो आप क्या कंट्री के इनकम के बेसिस पे कंपेयर करते हो एक कंट्री को दूसरे कंट्री को तो नहीं एक्चुअली कंट्री के इनकम के बेसिस पे नहीं कंपेयर किया जाता है कंट्री के एवरेज इनकम के बेसिस पे कंट्री को कंपेयर किया जाता है एवरेज इनकम क्या होता है एवरेज इनकम आप इनकम क्या होता है कंट्री का एवरेज इनकम कंट्री का एक उस कंट्री में रहने वाले पर्सन का एवरेज इनकम होता है यानी कि ऑलमोस्ट कितना उस कंट्री में रहने वाला ऑन एंड एवरेज एक पर्सन कितना कमा लेता है उसको कहा जाता है कंट्री का एवरेज इनकम तो कंट्री एवरेज इनकम इज एक्चुअली द एवरेज इनकम ऑफ द पर्सन ऑफ दैट कंट्री इट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड पर इट इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम तो ये जो एवरेज इनकम होता है जो पर्सन का एवरेज इनकम होता है उसको एवरेज इनकम को एक और नाम से कहा जाता है कहा जा सकता है उससे कहा जाता है पर कैपिटा इनकम एंड इट इज कैलकुलेटेड विद द फॉर्मूला इसको किससे एक फॉर्मूला से निकाला जाता है और ये फॉर्मूला क्या है पर कैपिटल इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ द पीपुल ऑफ ए कंट्री बाई टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑफ अ कंट्री यानी कि आप उस कंट्री का जो टोटल इनकम है हर पर्सन का इनकम को सम टोटल को डिवाइड कर दो उस कंट्री में रहने वाले टोटल पॉपुलेशन से तो जब आप उस कंट्री का टोटल इनकम उसके टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे तो आपको उस कंट्री का पर कैपिटा इनकम मिल जाएगा और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर उसका जो पर कैपिटा इनकम है ट्वेल्व थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी सिक्स डॉलर से ज्यादा है पर एनम एक साल में उसका जो पर कैपिटा इनकम है अगर ट्वेल्व थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी सिक्स डॉलर से ज़्यादा है तो वो कंट्री आती है रिच कंट्री के कैटेगरी में और अगर उससे कम है तो वो कंट्री आती है पुअर कंट्री के कैटेगरी में और अगर आप इंडिया का पर कैपिटा इनकम देखोगे तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम है एटीन फोर्टी डॉलर पर एन तो सिर्फ इंडिया का आप देखोगे इंडिया का पर कैपिटा इनकम और वर्ल्ड से लेवल में डिसाइडेड जो पर कैपिटा इनकम है अगर उसको कंपेयर करोगे तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो काफ़ी लेस है और और ये आपका जो डेटा है ये डेटा है 2016 के हिसाब से और इस बेसिस पे आप कह सकते हो कि इंडिया इज नॉट कमिंग अंडर द रिच कंट्री इट इज इट इज कमिंग अंडर द पुअर कंट्रीज कैटेगरी सो इट इज मोस्टली अंडर डेवलप कंट्री तो जो ये जो इनकम के बेसिस पे जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट क्या ये सही मेथड है किसी कंट्री के डेवलपमेंट को डिसाइड करने का तो यस आप अगर आप देखोगे कि 90 परसेंट जो रिच कंट्री है वही डेवलप कंट्री के कैटेगरी में आती है नाइन्टी परसेंट ऑफ द रिच कंट्रीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डेवलप कंट्री सो इनकम अपकोर्स इनकम को आप कंसिडर कर सकते हो कैलकुलेट करने के लिए कि कंट्री डेवलप्ड है या अंडर डेवलप है बट इट हैज वन लिमिटेशन जो इनकम के बेसिस पे आप डेवलपमेंट डिसाइड कर रहे हो इसकी भी एक लिमिटेशन है और वो ये है कि इट डज नॉट टुक इन टू अकाउंट द डिस्पैरिटीज जो डिस्पैरिटीज है सोसाइटी में उसको वो कंसिडर नहीं करता जब आप इनकम के बेसिस पे कंसिडर करते हुए कि ये कंट्री डेवलप है या अंडर डेवलप तो ये जो है ना डिस्पैरिटीज जो हो, होती है सोसाइटी में डिस्पैरिटीज क्या होती है भेदभाव इनइक्वालिटीज़ तो इन इनक्वालिटीज़ को वो कंसिडर नहीं, नहीं करता वो इसको इग्नोर करके कैलकुलेट करने लगता है और कभी कभी ये कैलकुलेशन काफी रॉन्ग एस्टिमेशन हो जाता है डेवलपमेंट डिसाइड करने के लिए तो ये किस तरह से रॉन्ग हो सकता है इसको अगर आपको समझना है क्लियर से तो उसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं तो लेट्स सी दैट एग्जाम्पल आप सपोज करो कि एक कंट्री है जिस कंट्री uh, ए है और उसका जो एवरेज इनकम है वो फाइव थाउजेंड रुपीज है पर कैपिटल इनकम उसका फाइव थाउजेंड रुपीज है और वहां पे रहने वाले हर एक पर्सन का जो पर कैपिटा इनकम है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू फाइव थाउजेंड है या, यानी कि थोड़ा सा ऊपर हो सकता है फाइव से या थोड़ा सा नीचे हो सकता है फाइव से यानी कि ऑलमोस्ट इक्वल टू फाइव है मगर दूसरे साइड में ऑन द अदर हैंड आप कंट्री बी को कंसीडर करो तो कंट्री बी को आप देखोगे तो कंट्री बी का का भी एवरेज इनकम फाइव थाउजेंड रुपीज ही है जैसे कि कंट्री ए का था मगर यहाँ पे जो नाइन्टी परसेंट लोग हैं उनका जो एवरेज uh, इनकम है वो टू थाउजेंड रुपीज से भी कम है और टेन परसेंट लोगों का जो आपका पर कैपिटा इनकम है वो टेन थाउजेंड रुपीज से भी ज्यादा है यानी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो कंट्री बी है वहां पे बहुत ज्यादा डिस्पैरिटीज है मगर दोनों का ही पर कैपिटा इनकम एक बराबर है दैट इज फाइव थाउजेंड रुपीज तो दोनों सिचुएशन में पर कैपिटा इनकम सेम है फाइव थाउजेंड रुपीज तो क्या आप इन दोनों सिचुएशन को देख करके कह सकते हो कि दोनों ही कंट्री में एक ही बराबर डेवलपमेंट है तो क्या इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा एब्सुलूटली नो no. कौन सी इस सिचुएशन में कौन सी कंट्री नंबर वन पे है इस सिचुएशन में डेफिनेटली कंट्री ए इज मच मोर डेवलप देन कंट्री बी क्योंकि कंट्री ए में डिस्पैरिटीज नहीं है इन नहीं है मगर कंट्री बी में काफी ज्यादा इनईक्वालिटीज है सो so, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इनकम के साथ साथ हमें दूसरे भी फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए ये डिसाइड करने के लिए कि कंट्री में डेवलपमेंट है या कंट्री में डेवलपमेंट नहीं है और वो सारे दूसरे फैक्टर्स क्या हो सकते हैं वो हो सकते हैं इक्वालिटी फ्रीडम सिक्योरिटी एंड इफ द कंट्री डज नॉट हैव दिस थिंग्स देन पीपुल डोंट प्रेफर इट अगर ये कंट्री में नहीं होता है जैसे अगर कोई कंट्री कितना भी रिच हो मगर अगर उस कंट्री में इक्वालिटी फ्रीडम सिक्योरिटी हेल्थ इन सब चीजें चीजों में वो पीछे होगा तो डेफिनेटली उस कंट्री को लोग पसंद नहीं करेंगे इसका आप बेस्ट एग्जांपल देख सकते हो कि जो ये मिडिल ईस्ट कंट्री है वहां पे आपको वो काफी रिच कंट्री है और वो आपको बहुत आ, अच्छे पैकेज देती है इनकम पैकेज देती है मगर वो ऑफर मिलने पर भी कई लोग मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जाने से मना कर देते हैं और उसका रीजन है कि वहां पे सिक्योरिटी एंड इक्वालिटी इश्यूज है और सिक्योरिटी एंड इक्वालिटी इश्यूज के कारण वहां पे जाने से लोग मना कर देते हैं यानी चाहे कंट्री कितनी भी रिच हो मगर अगर वहां पे जो ये नॉन मेटेरियलिस्टिक थिंग है जो डेवलपमेंट डिसाइड करती है जैसे कि इक्वालिटी फ्रीडम सिक्योरिटी हेल्थ एटसेट्रा अगर उन सब की कमी हो तो डेफिनेटली वो डेवलप कंट्री के कैटेगरी में पीछे रह जाएगा टू नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉन मेटीरियल थिंग तो ये नॉन मेटीरियल थिंग्स कितनी इम्पॉर्टेंट होती है डेवलपमेंट डिसाइड करने के लिए इसको अगर आपको अच्छे से जानना है तो आप थ्री स्टेट्स डैट इज थ्री स्टेट को आप कंपेयर कर सकते हो और उसके कुछ फैक्टर्स को लेकर के थ्री स्टेट को कंपेयर कर सकते हो उसके मेटेरियलिस्टिक फैक्टर्स को भी और उसके नॉन मेटेरियलिस्टिक फैक्टर्स को भी लेकर के आप तीन स्टेट को कंपेयर कर सकते हो खुद अपने इंडिया में आप देख सकते हो कि क्या कि क्या इंडिया के सारे स्टेट एक बराबर डेवलप है या डेवलप नहीं है तो इसमें हम क्या क्या फैक्टर्स को लेकर कंपेयर करने वाले हैं इसमें हम पहले तो पर कैपिटा इनकम देखेंगे और लिटरेसी रेट देखेंगे और अब आप इसका इन्फेंट मोरालिटी रेट भी देख सकते हो जिसको आई एम आर रेट भी कहा जाता है आई एम आर क्या होता है आई एम आर ये होता है जैसे कि नंबर ऑफ चिल्ड्रेन डाइस बिफोर वन ईयर पर थाउजेंड लाइव बर्थ यानी कि आपके वो बच्चे जो एक साल की एज से पह, पहुंचने से पहले ही जिनका डेथ हो जाता है उसको कहते हैं इन्फेंट डेट तो इन्फेंट मोरालिटी रेट डेथ डेथ रेट कहा जाता है तो जो इन्फेंट मोरालिटी डेथ रेट होता है उसको भी बहुत ज़्यादा कंसिडर किया जाता है डेवलपमेंट देखने के लिए क्योंकि अगर बहुत सारे बच्चे एक साल की उम्र में पहुंचने से पहले मर जा रहे हैं यानी कि वहाँ का हेल्थ फैसिलिटीज अच्छा नहीं है और दूसरा और एक क्या फैक्टर हम कंसीडर करेंगे कंपेयर करने के लिए यह है नेट अटेंडेंस रेट नेट अटेंडेंस रेट क्या होता है जैसे कि छोटे में तो हर बच्चा स्कूल बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते हैं मगर आफ्टर फोर्टीन फिफ्टीन इयर्स वो सब स्कूल जाना बंद कर देते हैं और अपने काम में लग जाते हैं दूसरे मतलब कि उसी एज में वो काम करना शुरू कर देते हैं आफ्टर फोर्टीन ईयर्स तो उस जगह पे नेट अटेंडेंस रेट कितना है मतलब कि क्या वहां पे चिल्ड्रन अभी भी 14-15 इयर्स के बाद स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं ये देखना जरूरी होता है उस कंट्री का उस कंट्री का या उस स्टेट का डेवलपमेंट डिसाइड करने के लिए तो आपका नेट अटेंडेंस रेट एक्चुअली क्या होता है चिल्ड्रेन अटेंडिंग द स्कूल जो बच्चे स्कूल जाते हैं आफ्टर फोर्टीन फिफ्टीन ईयर्स वो आपका डिसाइड करता है नेट अटेंडेंस रेट तो आप आप देख सकते हो आपको डेटा दिया गया है आपको थ्री स्टेट कंपेयर किया जा रहा है इंडिया का हरियाणा केरला एंड बिहार और आपके फर्स्ट कॉलम में इन्फेंट मोरालिटी रेट सेकंड कॉलम में आपका लिटरेसी रेट और थर्ड कॉलम में है आपका नेट अटेंडेंस रेट तो आप देखोगे जब इन्फेंट मोरालिटी रेट देखोगे तो आप देखोगे कि बिहार इज ऑन द नंबर बिहार का जो इन्फेंट मोरलिटी रेट है वो काफी हाई है तो इन्फेंट मोरलिटी रेट एक्चुअली ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए क्योंकि ये क्या इंडिकेट कर रहा है कितने बच्चे मर रहे हैं तो आप देखोगे कि बिहार में सबसे ज्यादा इन्फेंट मोरलिटी रेट है जो कि अच्छी बात नहीं है और आप बाकी के तीनों स्टेट को अगर कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि केरला में सबसे कम इन्फेंट मोरालिटी रेट है जो कि एक अच्छी बात है अब अब आप सेकेंड कॉलम को देखो लिटरेसी रेट में सबसे आगे केरला है और सबसे पीछे बिहार है आपका और जब आप नेट अटेंडेंस रेट यानी कि कितने बच्चे 14-15 ईयर्स के बाद भी स्कूल जा रहे हैं उसको कंपेयर करोगे तो सबसे ज्यादा बच्चे जो 14-15 ईयर्स के बाद भी स्कूल जा रहे हैं वो उसमें आपका नंबर वन में है केरला और सबसे पीछे है बिहार अब हम मेटीरियल थिंग को भी कंपेयर कर लेते हैं एक बार मटेरियल तो थिंग में हम पर कैपिटा इनकम को कंपेयर कर रहे हैं आप फिर से हरियाणा केरला एंड बिहार को कंसीडर कर रहे हैं तो जब आप हरियाणा केरला एंड बिहार को कंपेयर करते हो तो आप देखते हो कि बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम है कंपेयर टू हरियाणा एंड केरला और इस इस कैटेगरी में जो ये मटेरियल थिंग की कैटेगरी में आप उसमें देखोगे कि हरियाणा ने केरला को भी पीछे छोड़ दिया है वो नंबर वन पे है तो आप जी आपने जो ये टेबल कंपेयर किया और साथ में आपने ये जो पीछे का टेबल कंपेयर किया तो आप इन दोनों में देख आप इन दोनों ही टेबल को कंपेयर करके इजीली कह कर सकते हो कि बिहार इन तीनों ही आ, इन तीनों में सबसे पीछे है क्योंकि उसका पर कैपिटा इनकम भी कम है उसकी इनफान मोरालिटी रेट बहुत ज़्यादा है जो कि बुरी बात है और उसके लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेट एक्चुअली में बहुत कम है कंपेयर टू केरला एंड हरियाणा तो आप क्या कंक्लूजन कर सकते हो कि बिहार इन तीनों में सबसे नीचे में आएगा नीचे की कैटेगरी में थर्ड रैंक पाएगा इन तीनों के बीच में और इसकी इसका डेवलपमेंट काफी पीछे है कंपेयर टू अदर टू स्टेट्स अब जब आप हरियाणा और केरला को कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि केरला कुछ बातों में आगे है और हरियाणा कुछ बातों में आगे है तो हरियाणा का क्या है हरियाणा का पर कैपिटा इनकम केरला से बहुत अच्छा है मगर एट दूसरे साइड में आप देखोगे ऑन अदर साइड कि केरला कि इन्फेंट मोरालिटी रेट काफी कम है कंपेयर टू हरियाणा और केरला में इलिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेट हरियाणा से बहुत अच्छा है तो सारे फैक्टर्स को ऑल टुगेदर जब आप कंसीडर करोगे देन यू कैन इजीली कंक्लूड कि केरला इज बेटर एंड केरला इज मोर डेवलप्ड देन हरियाणा तो ये जो डेवलपमेंट होता है उसको पाने का बेस्ट और चीपेस्ट तरीका क्या है सस्ता तरीका क्या है इसको पाने का तो इसका बेस्ट एंड चीपेस्ट वे ऑफ डेवलपमेंट इज थ्रू द कम्युनिटी वर्क आप कम्युनिटी वर्क यानी कि सारे सोसाइटी के सारे लोग जब मिलकर के काम करते हैं तभी बेहतर तरीके से डेवलपमेंट आ सकता है इट इज थ्रू द कम्युनिटी वर्क एंड नॉट बाय इंडिविजुअल एफर्ट ये इंडिविजुअल एफर्ट से नहीं आ सकता कि, डेवलपमेंट किसी एक इंडिविजुअल के एफर्ट से नहीं आ सकता कि कोई एक आदमी डेवलपमेंट नहीं ला सकता इसको अगर लाना है तो पूरे कम्युनिटी को कॉपरेट करनी है और पूरी पूरी की पूरी कम्युनिटी को मिल करके डेवलपमेंट लेकर आना है जैसे एक एग्जांपल देख ले कि अगर एक सोसाइटी की में समझ की गलियों बाहर की गलियों को साफ करने के लिए आपको स्वीपर की जरूरत है तो क्या इसका सोल्यूशन क्या है क्या हर एक हाउस को एक एक स्वीपर अपॉइंट कर देना बेस्ट आइडिया है इट इज नॉट ए बेस्ट आइडिया एट ऑल एंड इनफैक्ट इट इज वेरी एक्सपेंसिव ये बहुत कॉस्टली पड़ेगा आपको तो बेस्ट आइडिया क्या है कि पूरी कम्युनिटी मिल करके डिसाइड करे और एक स्वीपर को रखे और ये आपकी उस कम्युनिटी उस के लिए चीप और बेस्ट रा, रास्ता होगा उसका community उस कम्युनिटी को या उस सोसाइटी को क्लीन रखने का तो आप यहाँ इस एग्जाम्पल से क्या कह सकते हो इस एग्जाम्पल से कह सकते हो कि जब कम्युनिटी मिल करके कॉपरेट करके वर्क करती है तो डेवलपमेंट चीप और बेस्ट तरीके से आता है और ना कि इंडिविजुअल एफर्ट से आपका डेवलपमेंट लाना बहुत बहुत मुश्किल है अब आपने जब तीनों स्टेट को कंपेयर किया तो आपने देखा कि केरला की जो आईएमआर रेट है इन्फेंट मोरलिटी रेट वो काफी कम है तो इसकी कम होने के रीजन क्या है उसे चलिए कंसीडर कर लेते हैं एक बार इसके कम होने का रीजन नंबर वन है कि इट हैज द एडिक्वेट नंबर ऑफ क्लिनिक एंड हॉस्पिटल टू कीप द पीपुल हेल्दी तो यहां पे क्या आपका एडिक्वेट अमाउंट में मानी लार्ज नंबर में क्लिनिक एंड हॉस्पिटल्स हैं तो बहुत सारे क्लिनिक एंड हॉस्पिटल होगा तो डेफिनेटली मेडिकल फैसिलिटी इंप्रूव होगी और मेडिकल फैसिलिटी इंप्रूव होगी तो डेफिनेटली आईएमआर रेट यानी इन्फेंट मोरालिटी रेट जो छोटे बच्चों की डेथ हो जाती है एक साल से पहले वो डेफिनेटली कम हो जाएगा दूसरा रीजन क्या है इट हैज गुड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सो पीपुल गेट क्वालिटी फूड आप ज्यादातर साउथ इंडिया के स्टेट में आप कंपेयर करोगे नॉर्थ इंडिया से तो आप देखो कि जो ये पीडीएस है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है रेशन शॉप है ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं साउथ इंडिया में और अगर पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छे से वर्क करेगा तो वहां के लोगों को गुड क्वालिटी ऑफ फूड मिलेगा और जब वहां के लोगों को गुड क्वालिटी ऑफ फ़ूड मिलेगा तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली वहां के लोग हेल्दी हो जाएंगे और अगर हेल्दी होंगे तो डेफिनेटली आई रेट कम हो जाएगा थर्ड रीजन देखते हैं इट हैज़ एडिक्वेट स्कूल एंड कॉलेजेस सो पीपल आर एडुकेटेड तो अब आप देख रहे हो कि वहां पे स्कूल्स एंड कॉलेज बहुत अच्छी है लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है वहां का तो इस कॉलेजेस uh, से आई एम आर रेट का क्या लेना देना ये है कि अगर कोई एडुकेटेड होता है तो वो अपने हेल्थ के लिए uh, अपने हेल्थ के लिए जागरूक होता है और उसके उसके पास हेल्थ रिलेटेड इश्यू कम आती है तो आपको अच्छे स्कूल्स एंड कॉलेजेस होना भी आईएमआर रेट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है अब एक छोटा सा टॉपिक हम देख सकते हैं बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई बीएमआई क्या होता है बीएमआई को कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो है वेट बाय हाइट स्क्वायर तो वेट को आप हाइट के स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो आपको बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स मिल जाएगा तो ये कैसे कैलकुलेट होता है इट इज कैलकुलेटेड बाय वेट बाय हाइट स्क्वायर और जो जो यहाँ पे वेट है वो आपको केजी में लेना है और हाइट जो है उसका उसको आपको मीटर में लेना है और हाइट को आपका हाइट को हाइट का आपको स्क्वायर निकालना है और जब आप इसको इस फॉर्मूला को अप्लाई करोगे और तो आपको एक जो नंबर मिलेगा अगर वो नंबर 18.5 से 25 केजी के बीच में है तो ये सही है और आपका बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स सही है और आप हेल्दी हो मगर अगर वो 18.5 से नीचे है तो इसका मतलब ये है कि आप अंडर नरिश्ड है और आपको फूड शॉर्टेज फेस करना पड़ रहा है वहां के लोगों को और वहां पे डेवलपमेंट का प्रॉब्लम है मगर अगर वो ट्वेंटी फाइव के जी से ऊपर है यानी कि वो 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 वहां के पर्सन ओवर वेट है मगर अगर वो अंडर वेट है अंडर नरिस्ड है दैट मीन्स इट शोज दैट कंट्री डेट कंट्री और दैट पर्टिकुलर प्लेस इज लैगिंग बिहाइंड द डेवलपमेंट सो बी एम आई फाइंड करना भी एक अच्छा इंडिकेटर है डेवलपमेंट को इंडिकेट करने के लिए So, आप अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं उसका आ, आपका नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या एच रैंक तो ये एच रैंक क्या होता है ये रैंक दिया जाता है कंट्रीज को दिया जाता है और कौन देता है यू एन डी पी इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये रैंक देती है और ये रैंक किस बेसिस पे देती है ये Uh, हर कंट्रीज के uh, के बीच में रैंक डिसाइड करती है और ये रैंक देने का जो बेसिस होता है वो उस कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम को लेकर के लिटरेसी रेट को देख करके हेल्थ को देख करके इक्वालिटी को देख करके और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देख करके ये रैंक देती है तो ये इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करती है कि उस कंट्री में ये सारे फैक्टर्स का क्या पोजिशन है और उसके बाद उस बेसिस पे वर्ल्ड लेवल पे सभी कंट्री को एक एक रैंक देती है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रे, रेट क्या होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट होता है एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द लाइफ ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ यानी कि जब उसका जब वो एक इंसान पैदा होता है तो क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि उस प्लेस में कि इसका एवरेज ऑन एन एवरेज कितना लाइफ हो सकता है कहीं कहीं किसी किसी कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत हाई होती है जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होती है फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और एडिक्वेट फूड होता है पर जहाँ पे ये सारी चीज़ें लैगिंग होती हैं वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है तो इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके एक एच रैंक दिया जाता है हर एक कंट्री को और टोटल 188 कंट्रीज का ये रैंक निकालता है और हर एक कंट्री को उनके कंट्री में ये सारी फैसिलिटी किस किस तरह की है इस बेसिस पर वो उनको रैंक देता है तो इंडिया की एक्चुअली लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है हम लोग ऑन एन एवरेज एक आ, इंडियन कितने साल तक जीता है 68 एट ईयर है इंडिया की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68 एट ईयर है और इंडिया का एसडीआई रैंक कितना है इंडिया का एस डी आई रैंक है 138, 188 में. तो वन एटी एट कंट्रीज में टोटल हमारा रैंक जो आता है इंडिया का है वो है वन थर्टी वन और ये सारे जो डेटा है वो टू थाउजेंड सिक्सटीन के एस रिपोर्ट के बेसिस पे दिया जा रहा है आपको वेयर एज द श्रीलंका का जो एस डी आई रैंक है अगर आप श्रीलंका का एस डी आई रैंक कैलकुलेट करोगे तो देखोगे कि, कि वो सेवेंटी थ्री पोजिशन में है हम वन थर्टी वन पोजिशन में है और श्रीलंका आपकी सेवेंटी थ्री पोजिशन में है तो इसके लिए आ, आप देखोगे कि श्रीलंका बहुत ही छोटी कंट्री है हमारे कंट्री के सामने मगर फिर भी उसका जो एस डी आई रैंक है वो हमसे बहुत अच्छा है तो इसका रीजन क्या है कि दो इट इज अ स्मॉल कंट्री मगर जो वहां पर रहने वाली जो पॉपुलेशन है ना वो बहुत ही ज्यादा एंड है तो इसी वजह से वहां, को, वहां का रैंक जो एसडीआई रैंक दिया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने वो रैंक हमारे कंट्री के रैंक से काफी बेहतर है अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आपको आप देख रहे होंगे कि मैं चैप्टर के साथ साथ आपको नोट्स भी दे रही हूं तो आप या तो वीडियो को पॉज करके नोट्स लिख लें या तो फिर उसका स्नैप स्क्रीनशॉट लेकर के उसका आप आउट निकाल ठीक है और अब अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देख रहे हैं वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इट मींस सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है इट मींस द डेवलपमेंट दैट डज नॉट अफेक्ट द नेचर एंड द इन्वाट तो वो डेवलपमेंट जिसके कारण नेचर और इन्वॉर्मेंट को कुछ प्रॉब्लम ना हो कुछ अफेक्ट ना पड़े उस डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा, जा, कहा जाता है कहा जाता है एंड इट ऑल्सो टॉक अबाउट द यूज ऑफ रिसोर्स ये किस बारे में बात करता है कि किस तरह से रिसोर्स को यूज किया जाए ताकि फ्यूचर जनरेशन को कोई प्रॉब्लम ना हो यानी कि ना तो नेचर और इन्वामेंट अफेक्ट हो ना ही हमारे फ्यूचर जनरेशन अफेक्ट हो अगर आप इस तरह से डेवलपमेंट लाओगे तो वो डेवलपमेंट को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट अब आपको पता है कि डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी होता है रिसोर्स जरूरी होता है और रिसोर्स को आप दो कैटेगरी में बांट सकते हो टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सिस होते हैं एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्स और एक होता है नॉन रिन्यूएबल 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 रिसोर्स 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 तो किसको कहते है? resource, उस resource को कहते हैं हैं उस को जो कि नेचर रिप्लेनिश कर सकता है जैसे कि एयर सनलाइट आप इसको जितना भी यूज करोगे ये खत्म नहीं होगा मगर दूसरी तरफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है जिसको नेचर रिप्लेनिश नहीं कर सकता और अगर आप इसको ओवर यूज करोगे तो इट विल गेट एग्जॉस्टेड खत्म हो सकता है जैसे कि कोल पेट्रोलियम एटसेट्रा तो दो तरह के रिसोर्स हो, होते हैं जो कि डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं और अनफॉर्चुनेटली हम कौन सा रिसोर्स सबसे ज्यादा यूज करते हैं इन दोनों रिसोर्स में हम ज्यादा यूज कर रहे हैं रेन्यूबल रिसोर्स और हमें कौन सा रिसोर्स ज्यादा यूज करना चाहिए हमें एक्चुअली हमें हम ज्यादा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स यूज कर रहे हैं हम सॉरी हम ज्यादा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स यूज कर रहे हैं जो कि रिप्लेनिस नहीं हो सकता मगर हमें कौन सा रिसोर्स यूज करना चाहिए हमें, हमें रिन्यूएबल रिसोर्स यूज करना चाहिए जो कि बार बार रिप्लेनिस हो सकता है क्योंकि अगर हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स यूज करेंगे जो कि रिप्लेनिश नहीं हो सकता तो एक दिन क्या होगा वो रिसोर्स एग्जॉस्ट हो जाएगा और अगर वो एग्जॉस्ट हो गया तो हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है जिसके लिए भी हमें वो रिसोर्स बचा के रखनी है वो प्रॉब्लम में आ जाएगी सो so, तो क्या किया जाए क्या हम उस रिसोर्स को यूज करना छोड़ करके डेवलपमेंट को रोक दें नहीं वी डेफिनेटली नीड टू डेवलप हमें डेवलपमेंट लाना है बट एट द सेम टाइम हम हिंडर नहीं कर सकते फ्यूचर जनरेशन के डेवलपमेंट को भी हिंडर नहीं कर सकते रोक नहीं सकते उनके लिए बाधा नहीं बन सकते सो डेवलपमेंट वर्क शुड बी सच डेवलपमेंट वर्क ऐसा होना चाहिए कि जिससे आज भी डेवलपमेंट हो और फ्यूचर में भी उस डेवलपमेंट को आप सस्टेन कर सकते सो डेट द डेवलपमेंट वर्क शुड बी सच डेट दिस डेवलपमेंट कैन बी सस्टेन इन द फ्यूचर ऑल्सो यानी कि डेवलपमेंट डेफिनेटली कीजिए मगर ये ध्यान रखिए कि वो डेवलपमेंट आपका सस्टेनेबल हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए वो प्रॉब्लम ना करे थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग